लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बच्चे की शक्ल बिल्कुल बात पर गई है, मेजर लगता है। डैडी, डैडी, खबरदार अगर इस बच्चे पर आंच भी आई तो। विदेश में पढ़ने का मतलब ये तो नहीं कि अपने बाप से बात करने की तमीज भी भूल जाओ। ले जाओ इसे। नहीं, नहीं। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काया, मेरे दोस्त के बेटे को मार डाला, अब तुम्हारे इस बच्चे की बारी है। अगर मेरे बच्चे के जिस्म पर एक खराश भी आए ना नागराज, तो कसम है मुझे उस भगवान की जिसका भक्त है तू, तेरी मौत तुझ पर इतनी मुश्किल कर दूंगी कि मरने से पहले 100 बार मरेगा तू। मर गए नागराज को मारने वाले। ए, बांधो इन हरामजादों को और टाइम बम लगा दो। बाकी सबको काल कोठी में डाल दो। बॉबी को भी। नहीं डैडी, छोड़ दीजिए इन्हें। प्लीज डैडी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इन्हें डैडी। प्लीज डैडी, छोड़ दीजिए। चुपचाप बैठे रहो। एक बार अपुन के हाथ खुल जाए, उस नागराज के चिथड़े उड़ा दूंगा इसी बम से। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप जिंदा है? ये मेरी खुशनसीबी है और तुम लोगों की बदनसीबी है जो मैं बच गया। जिंदा रहने के लिए मैंने मौत के साथ जंग लड़ी है हरामजादों, और मैं जिंदा सिर्फ इसलिए रहना चाहता था कि तुम जैसे कानून के मुजरिमों को कानून के हवाले कर सकूं। अपुन अपने आप को कानून के हवाले करने को तैयार है, लेकिन जेलर पहले ये बम तो निकालो जो नागराज अपुन को लगा कर गया है। हमें गीता और उसके बच्चे को बचाना है जेलर। गीता का बच्चा? हाँ, गीता का बच्चा, जिस मिट्टी पर गीता का सुहाग मिटा था, उसी मिट्टी पर उसके सुहाग की निशानी एक नन्हे से प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है। जेलर साहब, नागराज गीता जी और मुन्ने को उठा ले गया। जेलर साहब, वक्त बहुत कम है, अपुन को अपनी जान की परवाह नहीं जेलर, लेकिन इस महाभारत में वो शैतान नागराज मरेगा, गीता और मुन्ना नहीं। नहीं, गीता और मुन्ना नहीं। जय भोलेनाथ। तुम्हारी आर्मी खत्म हो गई, लेकिन चैन तो मुझे तभी मिलेगा नागराज, जब इसकी आर्मी के साथ साथ ये भी खत्म हो जाएगी। इसकी जान इसके जिस्म से मैं इन्हीं हाथों से निकालूंगा। पंचम शांत, सब मौका मिलेगा तुम्हें, तुम ही मारोगे इसे, मगर इतनी आसान मौत नहीं। तड़पा तड़पा कर हम देखना चाहते हैं कि मां की ममता अपने बच्चे को कब तक हमारी तीसरी आंख के कहर से बचा सकती है। तैयार करो इसे और हमारे दरबार में पेश करो।
महाभारत में अभिमन्यु नहीं मरेगा। हमारे दोस्तों को मारा है, अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, तुम लोग नहीं मारोगे इसे, आज ये हर हाल मेरे हाथों मरेगा। नहीं गीता जी, इसने हमारे खान और कबीर भाई को मारा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं करतार, पीछे हटो। अरे मर गए नागराज को मारने वाले, तो जैसी लाचार औरत, एक बेबस मां और विधवा मेरा क्या बिगाड़ेगी। नागराज का डसा हुआ पानी तक नहीं मांगता, शिव की महिमा है नागराज पे। आज तेरे साथ साथ तेरी औलाद को भी मौत के घाट उतार दूंगा मैं। भाभी यही वो तलवार है जिससे शैतान ने मेरे भैया को मारा था। नागराज आज नहीं बचेगा तू, पाखंडी भक्त, किसी भगवान की कृपा नहीं है तुझ पर, आज मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगी। आज इसे कोई नहीं रोक सकता। इस छोटे मेजर की जिम्मेदारी तुम पर है भैया, इसे अर्जुन की तरह नहीं डर
और बहादुर बनाना। भैया, मेरी वजह से तुम्हें जलील होना पड़ा, मैं तुम्हारी गुनहगारों मुझे माफ कर देना। इस शैतान को मारकर आज मेरा मकसद पूरा हो गया। आज मैं अपने आप को तुम्हारे और कानून के हवाले करती हूँ। क्या हाल है बेड़ो? अरे बेटा। अरे मीना। अरे आजा मेरे नानी। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। के हाथों मुझे यहां पर जबरदस्ती लाकर तुमने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है कि तुम कोई साधु नहीं बल्कि साधु के रूप में वो शैतान हो जिसने अपने फायदे के लिए इस गांव में कभी डैम बनने नहीं दिया। बहुत बोलती हो तुम, अफसोस हमें सुनने की आदत नहीं। भोलेनाथ की तीसरी आंखें हम, और जब ये आंख खुलती है तो जिंदगी मौत में बदल जाती है। इसका वो हशर करो कि आइंदा कोई ऐसी गुस्ताखी करने की जरूरत ना करे। डैम बनवाइए। हाँ, गांव आबाद करके हमें बर्बाद करना चाहती है। रोमत का इतनी रोमत, अब तेरा भाई आ गया है। ए नागराज, सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाकर जो फौजी सारे देश की मां बहनों की इज्जत की रक्षा करता है, आज तूने उसी फौजी की बहन को हाथ लगाया। रोमत, तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। भैया अपनी जाती है नागराज। जान गया, अब जान गया, यही है वो देशद्रोही, वो आतंकवादी जिसके आदमी सरहद पर स्मगलिंग करते हैं। नागराज, तू सिर्फ मेरी बहन का ही नहीं, मेरी मां का भी गुनहगार है, उस मां का जिसे हम भारत मां कहते हैं। हरामजादे, इसी की कोख से जन्म लेकर इसी के सीने को अपने हथियारों से छलनी कर रहा है तू। जाए भोलेनाथ। Thank you.
कुछ नहीं हुआ मुझे। कैथरीन तू भाग यहां से, भाग तू यहां से, ए भाग जा, भाग तू यहां से, भाग भाग, ए कैथरीन भाग जा, भाग जा। खून भैया, ए कैथरीन, तू तो चाहती है, ए तू तो चाहती है ना कि आतंकवादियों को पुलिस के हवाले करे, कितना सताया जा तुझे इन लोगों ने, ए साला, तू जा जा पुलिस को बुला, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कहते नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, तू जा, ए तू जा, मुझे कुछ नहीं हुआ, तू पुलिस को बुला कर ला, ए मैं नहीं मरूंगा कहते, मैं नहीं मरूंगा, तू जा, मैं पुलिस को लेकर आती हूँ, तू जा, तू जा, मेरे भैया को मार डाला, मेरे भैया को मार डाला, मेरे भैया को मार डाला, ए नागराज हिलना जा। मर गया। सरहद के पार फेंक दो इसकी लाश को। देश का एक सच्चा सिपाही आतंकवादियों के साथ लड़ता हुआ शहीद हो गया। आज ये चांद कहां खोके रह गया, बादलों से निकल ही नहीं रहा। आप लोगों के इस तरह का मजाक करते हुए, इनकी तो आदत है मुझे हमेशा तंग करने की। अरे आज करवा चौथ है, सुबह से मैं भूखी प्यासी इनकी लंबी उम्र के लिए दुआ कर रही हूं, और आप लोग भी इनके साथ मिलकर इस नाटक में शामिल हो गए। आज मजाक के भी हद हो गए। चलिए अर्जुन जी उठिए, बहुत हो गया मजाक। अर्जुन, अर्जुन प्लीज उठो। अर्जुन मैंने पहले से ही कहा था, दोबारा ऐसा मजाक करोगे मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ये सब क्या लग रखा है? चलो अर्जुन उठो। अर्जुन नहीं उठोगी तो मैं जा रही हूं। अर्जुन आज करवा चौथ है, आज के दिन ऐसा मत करो प्लीज। देखो मैं रो पड़ूंगी। अर्जुन, अर्जुन प्लीज, अर्जुन प्लीज उठो। गीता भैया, अर्जुन अब कभी नहीं उठेगा। भैया आप भी इनके साथ मिलकर, मैं आप लोगों की बातों में नहीं आने वाली हूँ। नहीं गीता ये सच है। भैया बस, क्या भैया अभी चुप। और अर्जुन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अर्जुन, अर्जुन चलो।
मकतूल मेजर अर्जुन सिंह का कत्ल धनकपुर में हुआ, लेकिन उनकी लाश सरहद पर पाई गई। फिर आप दावे के साथ कैसे कह सकती हैं कि उनका कत्ल नागराज ने ही किया है? क्या उसका कोई चश्मदीद गवाह या कोई ठोस सबूत है आपके पास? सबूत है बलौर, सबूत है कि लड़की जिसने अपने भाई का कत्ल करते हुए इस नागराज को अपनी आंखों से देखा है। मिलॉर्ड, वकील साहिबा शायद इस बात को भूल रही हैं कि अदालत पागलों की गवाही को नहीं मानती, और ये लड़की बिल्कुल पागल है जिसका सबूत मैं ऑलरेडी आपको पेश कर चुका हूँ। ये झूठ है मिलॉर्ड, ये झूठ है। ये पागल नहीं थी बल्कि अपने भाई की मौत देकर इसका ये हाल हुआ है, ये झूठ है। अदालत को इस बात से कोई मतलब नहीं कि यह लड़की पागल थी या हो गई, आप सिर्फ ये बताइए कि यह लड़की पागल है या नहीं। गायत्री, नहीं गायत्री, लेकिन ये लड़की तो कुछ भी नहीं बोल पा रही। इस लड़की की हालत ने सब कुछ बोल दिया मैं, सब कुछ बोल दिया। लेकिन कानून हालात पर नहीं सबूत पर गौर करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ऐसा कोई भी गवाह और सबूत इस अदालत में पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि मेजर अर्जुन सिंह का कत्ल नागराज ने किया है, लिहाजा यह अदालत नागराज को बाइज्जत परी करती है। अब कानून हमें तुम सिखाओगी? दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हम चाहें तो तुम्हें अभी इस पेशे से डिसमिस कर सकते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं मिलॉर्ड, आपके फैसले ने कानून पर से मेरा विश्वास उठा दिया। आप मुझे क्या डिसमिस करोगे? किस पेशे से मैं खुद रिजाइन करती हूँ? मुबारक हो वकील साहब, मुबारक हो। थैंक यू। आइए चलिए। देखा गया। शांत पंचम शांत। हिजियानी बिल्ली है, खम्बा तो नोचेगी ही। आज इसने तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये अपने ही हाथों से अपने ही मुंह पर तमाचा मारेगी। जो मर गया उसके गम में क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रही है? मेरे नाम का एक मंगलसूत्र अपने गले में डाल ले, रानी बनाकर रखेंगे हम तुझे। अपनी छोटी जीत पर इतनी खुशी मत मनाना नागराज। तो सिर्फ कानून की अदालत से बचा है, लेकिन मेरी अदालत में तो कल भी गुनेगार था और आज भी है। कानून से ना इंसाफी शायद इसीलिए हुई है कि तेरा इंसाफ मैं अपने हाथों से कर सकूं। तेरी मौत किसी और के हाथों नहीं, मेरे हाथों होगी, सिर्फ मेरे हाथों।